आंकड़े से छेड़खाड़ की। इसके खिलाफ चाहे छोटे वाला कैंडिडेट को इससे बात नहीं, एक मिनट मैं कहना चाहूंगा आपकी पहले एक दरखास्त कमेटी में एसडीओ को तो इसे बताया जांच वो करें क्योंकि पुलिस का विषय बहुत बहुत धन्यवाद दिग्जीत जी। आप आज का जो मसला है और बहुत ही गंभीर मसला है, पूरे अम्बाला छावनी की जनता से जुड़ा हुआ मसला है। एक कंपनी है यशी कंसल्टेंसी, जयपुर राजस्थान की कंपनी है। इस कंपनी को ठेका दिया गया था कि अम्बाला कैंट की जितनी प्रॉपर्टी आईडी है उन प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करके जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी है उसका नाम उसमें अंकित किया जाए और उसमें गज अंकित किया जाए और स्थान अंकित किया जाए। इस कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया, याशी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 158A टोंक रोड मालवीय नगर चंद्रकला कॉलोनी बापू नगर जयपुर राजस्थान। जरा सोचने की बात यह भी है, क्या हरियाणा में कोई कंसल्टेंसी सर्विस ऐसी नहीं है? यही सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था, इसका थोड़ा क्लियर कीजिए भाई, बाहर की कंपनी क्यों अपने राज्य की कंपनी को क्यों जांच नहीं दिया? हरियाणा की क्या कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो सर्वे कर सके? क्या हरियाणा में एक भी व्यक्ति काबिल नहीं है जो हरियाणा की प्रॉपर्टी का सर्वे कर सके? पहली बात तो ये जो बाहर की कंपनी है इसको ये नहीं मालूम इस नगर का नाम क्या और उस नगर का नाम क्या है। इस कंपनी ने सर्वे करके जो डाटा अंकित किया कमेटी के रिकॉर्ड में, उस डाटा में 96,000 प्रॉपर्टी आईडी सिर्फ अम्बाला कैंट की, मैं अम्बाला कैंट की बात कर रहा हूँ जबकि ये पूरे हरियाणा में है। 96,000 प्रॉपर्टी आईडी में से अधिकतम प्रॉपर्टी आईडी में नाम गलत है, गज गलत है, जिसके 10 गज है उसके 100 बना दिए, जिसके 100 है उसके 10 कर दिए, नाम गलत कर दिया, ओंकार सिंह की जगह दमनप्रीत सिंह कर दिया, जगजीत सिंह कर दिया, हर एक गलती है इस प्रॉपर्टी आईडी में। हमने इसके खिलाफ आज डीएसपी महोदय को एक कंप्लेंट दी है क्योंकि इसने हमारे डाटा से छेड़खाड़ करी है। तुषार जी आ जाओ ना, छेड़खाड़ कर दिया और ये सीधे सीधे डाटा से छेड़खाड़ करने का और 420 का पर्चा बनता है। हमने इसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने के लिए डीएसपी महोदय को कंप्लेंट दी है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे को डील किया है और साथ के साथ इसकी डीडीआर लिखने के लिए आदेश दे दिए हैं और उसके बाद जांच करके अगर इसके खिलाफ होता है तो कार्रवाई कीजिए। हमारी मांग है कि जिन व्यक्तियों ने म्यूटेशन कराई थी कमेटी के अंदर, वो व्यक्तियों की म्यूटेशन 10-10, 20-20 हजार रुपए में हुई थी, आज उनका नाम फिर कट गया वहां से, दोबारा से फिर म्यूटेशन कराने के लिए धक्के खा रहे हैं, दो दो महीने कमेटी के धक्के खा रहे हैं। वहां ईओ नहीं है और बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं है, दोनों सस्पेंड है, लेवल वन लेवल टू हो नहीं सकता, तो जनता बहुत बुरी तरह से पड़ताड़ित है। हमारी मांग है कि पुराने वाला डाटा दोबारा से लागू कर दिया जाए, नया सर्वे जब तक ठीक ना हो तब तक कुछ को सस्पेंड कर दिया जाए और जो याशी कंसल्टेंसी है इसके प्रबंधकों और कर्मचारियों के खिलाफ 420 और कंस्पिरेसी का पर्चा दर्ज किया जाए ताकि इनको पता लगे कि जनता के अधिकारों के साथ कैसे छेड़खानी की जाती है, जनता के आंकड़ों के साथ कैसे छेड़खानी की जाती है। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से, जो हमारे जिला के प्रधान भी हैं और बहुत सीनियर नेता हैं अम्बाला के, वो भी दो शब्द।